और आप गबा सर रितेश जी कह रहे हैं कि कोई और ऐसा पिक बताइए जिसमें अच्छी कमाई हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले समय कोई दिक्कत नहीं इनको। मैंने लॉन्ग टर्म की नजर से मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है मैं उसी की बात करूंगा, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक मुझे लगता है, मैं मेरा ध्यान है 5 साल रखने का कम से कम। उसमें कितना जाएगा, कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन सेफ्टी मार्जिन हाई है और मेरी कॉस्ट भी बहुत कम है, 750 रुपए, 756 के करीब है शायद, तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसी जगह पर है, अगर इसमें डिप मिलती है कहीं पर मिल जाता है तो ले लेना चाहिए, लेकिन नजरिया 5 साल का होना चाहिए। और पिछले दिनों मैंने एक स्टॉक फिर एंटर किया है लोअर सर्किट के आसपास, वो था जियो फाइनेंशियल। इसका भी नजरिया मैंने ध्यान रखा है कि 5 साल होल्ड करूंगा, 5 साल के बाद देखूंगा क्या करूंगा, बीच में मुझे पता नहीं। लेकिन ये स्टॉक मैंने खुद के लिए लिया हुआ है और करीब लोअर सर्किट के आसपास ही लिया मैंने, तो ये भी अब नजरिया लंबा है 5 साल का कम से कम। ओके तो देखिए गाबा सर का एंट्री पॉइंट कितना बढ़िया है, अगर इसका लोअर सर्किट के आसपास लिया तो ये 205-210 के बीच में कहीं पे लिया है और 750 पे यूएसएल, दोनों में डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, खासतौर पे जियो फाइनेंशियल्स में क्योंकि वो हमारी कंपनी की होल्डिंग है उसमें। तो हितेश जी आपको दो मिल गए भाई बढ़िया लॉन्ग टर्म वाले, आप इसको लीजिए और अंगूठा देने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको रखिए आप ट्रेडिंग में आपके काम आएगा, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पिक्स आपको गाबा जी समय समय पर देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया हितेश जी आपके शब्दों के लिए और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके शिक्षकों से आपको ऐसे ही अच्छे पिक्स मिलते रहे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।